समझाता हूँ कि किस तरह से हमने वो मैजिक किए थे। तो हमारा जो फर्स्ट मैजिक था उसमें एक्चुअली में क्या था कि इस गिलास में आपको आप कॉटन यूज कर सकते हो, आप इसमें थर्माकोल वगैरह यूज कर सकते हो, या जो बेबीज़ के जो डायपर्स वगैरह होते हैं वो यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे डायपर्स का यूज़ किया था, तो आप इस गिलास में कॉटन, थर्माकोल और डायपर इस तरह से आप इसमें आपको रखना है, ताकि थोड़ा ऐसे फिक्स करना है ताकि इसको उल्टा भी करो तो ये गिरे ना। और आपने जब सेकेंड गिलास से आप इसमें वाटर पोर करते हो, ऐसे आपने वाटर इसमें पोर किया, एक्चुअली मैंने ज़्यादा वाटर पोर किया, आपको थोड़ा इसमें कम वाटर पोर करना है। तो जब आप इसमें वाटर पोर करते हो तो जो वाटर होगा इसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने एक्चुअली में ज़्यादा वाटर लिया है, एब्जॉर्ब होने के बाद जब आप इसे वापस इस तरह से करोगे तो इसमें से पानी निकलता नहीं है, बिकॉज मैंने पानी की अमाउंट ज़्यादा ली थी और इसी ग्लास से मैंने सेकेंड टाइम किया, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा पानी इसमें से बाहर आया, अदरवाइज आप करोगे तो बिल्कुल भी पानी वापस नहीं आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट थी, जस्ट गोइंग टू सेकेंड ट्रिक। देखिए हम हमारी जो सेकेंड ट्रिक थी, तो सेकेंड ट्रिक में हमें कैसे करना था, एक्चुअली में हमने एक ग्लास लिया और इस ग्लास में आपको यहाँ पे होल करना है, और एक होल आपको इस तरफ करना है। आपको होल करने के बाद आप एक प्लास्टिक का थ्रेड लोगे, आप धागा भी यूज कर सकते हो, तो आपको प्लास्टिक का थ्रेड आपको लेना है और आपको यहाँ से इसको ऐसे पास कर देना है। देखो इस तरह से धागा इसमें पास होगा, आप देखोगे तो इस तरह से धागा पास होगा। प्लास्टिक के धागे के लिए मैं आपसे इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा धागे को जलाओगे तो वो यहाँ पे चिपक जाएगा, एक तरह से इस तरह से भी चिपक जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ से जो एक कलर टेप का यूज़ किया ताकि वो धागा आपको दिखाई ना दे, तो इस तरह से आपका वो धागा इसमें होगा अंदर, ओके, और आपको दिखाई नहीं देगा बाहर से। आपने थोड़ा लिक्विड इसमें पोर किया, हमने इसमें थोड़ा लिक्विड पोर किया, और उसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पे नहीं पकड़ना बेटा, आपको एक्चुअली में क्या करना है, मैंने तो यहाँ पे सुई ली थी और इस तरह से मतलब सुई को इसमें से निकाला था, थोड़ा ये हुक टाइप में बन जाएगा, आप देखो इस तरह से आपको बनाना है, ये हुक टाइप में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सो नहीं होता, आप थोड़ा फास्ट मूव करोगे तो सो नहीं होगा, और आपको ये इस तरह से इस गिलास में डालना है, और देखो जो ये हुक है ना, ये हुक इसमें ऐसे फंस जाता है, मतलब जो ये हुक होगा, ये जो हुक है इसमें ऐसे फंस जाता है, और ये हुक से इस तरह से मतलब इसको सपोर्ट मिलती है, और इस तरह से आप इसे कर सकते हो, बाद में आप इसे नीचे करोगे तो ये हट जाता है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड था, सेकेंड ट्रिक थी हमारी। अब हमारी लास्ट जो ट्रिक थी वो मैं आपको समझाता हूँ, वो मैंने कैसे किया था। फ्रेंड्स लास्ट ट्रिक के लिए आपको टू कॉइन्स की नीड होगी, आपको एक कॉइन को ग्लास के अंदर इस तरह से आपको रखना है, और इस कॉइन को आपको इस तरह से छिपा के रखना है ताकि ये दिखाई ना दे, और सेकंड कॉइन आपको लेना है और इस कॉइन को आपको इस तरह से रखना है, और जैसे जैसे आप इसको ऐसे रब करोगे तो आपको ये कॉइन इस तरह से हैंड्स में ऐसे लेना है और इस तरह से आपको ये चाहे डाल देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इस तरह से इसको रब किया, रब करते समय मैंने इस कॉइन को इस तरह से किया, और आपको ग्लास को थोड़ा सा रोटेट करना है, और आपको ये वाला जो कॉइन है सेकंड, आपको ये वाला कॉइन आपको दिखाई देगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारे आज की थ्री जो ट्रिक्स थी। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज पक्का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए दिल से आप सभी को थैंक यू।